बात करते हैं अभी की बड़ी खबर की। डिफेंस एविएशन और फार्मा में एफडीआई पुश के बाद अब सरकार ने फोकस किया है टेक्सटाइल सेक्टर पर और नई टेक्सटाइल पॉलिसी को मंजूरी दी है सरकार ने। साथ ही स्पेक्ट्रम नीलामी को भी, जो मेगा स्पेक्ट्रम ऑक्शन होना है उसको भी अप्रूवल मिला है कैबिनेट की ओर से। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कैबिनेट की वो 3 बजे होगी, लेकिन एक मच नीडेड बूस्ट टेक्सटाइल स्पेस के लिए जरूर इस पैकेज को देखा जा सकता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर विशाल चिरपाल हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप डायरेक्टर है चिरपाल ग्रुप के। विशाल जी नमस्कार। टेक्सटाइल स्पेस लगातार काफी पेन में है, एक्सपोर्ट्स लगातार ड्रिप हो रहे हैं, हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं, पावर बिल्स हायर साइड पर प्लेस हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कंसर्निंग इश्यूज थे। अब ये नई टेक्सटाइल पॉलिसी क्या ये मच नीडेड रिलीफ भी दे पाएगी इस सेक्टर को? वेल, आशाएं तो काफी है इस टेक्सटाइल पॉलिसी से, लेकिन मैं कुछ कहना चाहूंगा कि क्या क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए जिससे टेक्सटाइल को बूस्ट मिले। जी, सबसे पहले गवर्नमेंट को लेबर लॉज के अंदर रिलैक्सेशन करना चाहिए, जिसके अंदर जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं अपने अप द वैल्यू चेन आफ्टर प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग है, मेडअप्स है, इनको गवर्नमेंट को लेबर लॉज को रिलैक्स करना चाहिए। उसके अलावा गवर्नमेंट को एक फाइबर न्यूट्रल पॉलिसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम वी आर डिपेंडेंट ऑन कॉटन, लेकिन आज इंडिया का अपने बहुत बड़ा हिस्सा अपने पॉलिएस्टर में भी है और वहाँ हमको कंपटीशन चाइना से काफ़ी आता है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक फाइबर न्यूट्रल पॉलिसी निकाले जिससे अदर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो है अपने पॉलिएस्टर है, विस्कोस है, उनको अपने सपोर्ट मिल सके। और मेरा गवर्नमेंट को एक सुझाव और रहेगा कि जो TUFS की पॉलिसी है, एमेंडेड TUFS, उसके अंदर गवर्नमेंट को फिर से एक्सटेंशन देना चाहिए जिससे हमारी कंट्री की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो सके और हम इंटरनेशनल क्वालिटी का कपड़ा जो बना रहे हैं वो कंटिन्यूसली बनाते रहें और हमारा एक अपने ठप्पा इंटरनेशनल मार्केट्स में लगाएं। मेरा एक अपने बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव गवर्नमेंट को रहेगा कि आपको जी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीन्स हैं उसके अंदर उनको एक पॉलिसी निकालनी चाहिए जिससे इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेक्सटाइल मशीनरी बने, उनको TUFS की पॉलिसी जैसे टेक्सटाइल यूनिट्स लगाने के लिए इंसेंटिव देती है उसी तरह मशीनरी बनाने के लिए भी पॉलिसी देनी चाहिए जिससे उनको सब्सिडी मिले, इंटरेस्ट सब्सिडी मिले, जिससे हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा और इंपोर्ट कम होने से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी सुधरेगा और उसी के अंदर गवर्नमेंट को जॉइंट वेंचर। जैसे आपने बताया यहाँ पे लार्जली ये जो चीजें हैं दैट यू एक्सपेक्ट, बट एग्जिस्टिंग पॉलिसी में से कितना पॉजिटिव टेकअवेज देखते हैं और यहां से लेके जो एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव में कितना बूस्टर रहेगा, इफ यू कैन जस्ट इलाबोरेट ऑन दैट। और लार्जली आपने जैसे ही बताया कि कॉम्पिटिशन इज स्टिफ फ्रॉम चाइना एज वेल एज बांग्लादेश, तो इसको काउंटर करने के लिए कितना बेटर स्टेप्स आप देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड? जैसे मैंने कहा कि अगर हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है, जो कि अपने बांग्लादेश से हमारा कंपटीशन है, श्रीलंका से है, चाइना से है, तो हमको उसके लिए जैसे जैसे हम ज़्यादा वैल्यू एडिशन करें, गारमेंट में करें, मेडअप्स में करें, गवर्नमेंट को उस पर इंसेंटिव बढ़ाना चाहिए। और फैब्रिक एक्सपोर्ट पे आज की तारीख में गवर्नमेंट का कोई इंसेंटिव नहीं है पॉलिएस्टर एक्सपोर्ट पे, तो पॉलिएस्टर के जो भी अपने हम वैल्यू एडेड फैब्रिक्स बनाते हैं या गारमेंट्स बनाते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को इंसेंटिव अपने कंसिडर करना चाहिए। और उसके अलावा गवर्नमेंट को वर्किंग कैपिटल जो अपने एक्सपोर्ट डिवीजन को, एक्सपोर्ट कंपनीज को मिलता है वो भी अपने इट इज इन डबल डिजिट, उसको भी अराउंड 7% लाना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट की एक बहुत बड़ी मार पड़ती है। और जब हम कम्पीट करते हैं दूसरी कंट्रीज में जहाँ पे अपने इंटरेस्ट की सब्सिडी देते हैं या उनकी लेबर कॉस्ट कम है, तो हमको हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो वो एक मेरा सुझाव गवर्नमेंट से अपने रहेगा। चलिए शुक्रिया विशाल जी, बातचीत की आपने जी बिजनेस से, लेकिन नजर रखें इस पूरे ही सेक्टर पर। 3 बजे कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डिटेल्स हैं वो क्लियर होंगी कि पैकेज में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। हालांकि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव्स देने से लेकर और समेत कई सारे फैसले हैं जो कि इस पैकेज में इंक्लूडेड थे।